हेलो गाइस, आप सबको फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और ये मेरे हाथ में देख सकते हो फ्रेंडशिप बैंड्स बंधी हुई है दोस्तों। ये फ्रेंडशिप बैंड मेरे स्कूल के बच्चों ने बांधे हैं, आए थे। अभी मैं उनका वीडियो नहीं बना सका था, मैं कोचिंग ले रहा था, बच्चों का टेस्ट था आज, तो अचानक से आए और अचानक से सर हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके मुझे ये बांध के चले गए। दोस्तों आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं अपने अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, स्कूल लाइफ के दोस्त हैं और कॉलेज लाइफ के जो दोस्त हैं, उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। उनके साथ बहुत ही टाइम बिताया है मैंने, तो आज उनकी याद आ रही है। पिछले हम जब कॉलेज लाइफ में थे तो सब एक साथ फ्रेंडशिप डे पे हम घूमने जाया करते थे। बड़वानी में 52 गज है, वहाँ पर जाया करते थे दोस्तों, सारे दोस्त मिल के, और बहुत पूरा दिन भर इंजॉय करते थे। पर अभी सब अपने अपने हाल पे बिजी है। मैं भी इंदौर हूँ और दोस्त आधे गांव में है, आधे दूसरी जगह पे है, तो सब अपने अपने जगह पे है। एक दूसरे को मिस करते हैं, बातें करते हैं, पर दोस्तों यही ज़िंदगी है। एक टाइम ऐसा आता है कि अपने दोस्तों से अलग रहना ही पड़ता है, पर एक ऐसा टाइम रहता है कि अपने दोस्तों के साथ ही रहूँ लगता है। अपने दोस्तों के साथ ही सब कुछ वही होते हैं। एक बहुत ही खास दोस्त होता है, बोलते हैं ना लंगोटिया यार, लंगोटिया यार भी है दोस्तों, पर उससे भी एक और दोस्त है मेरा, एक बहुत ही खास दोस्त है, होता है। एक दोस्त तो सारे होते हैं, पर एक बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्ट में से भी बेस्ट होता है। मेरा भी ऐसा एक दोस्त है जिसका नाम मुकेश है, जो कि आज गांव में है, जॉब कर रहा है। तो दोस्तों आज मेरी उसे सुबह से बात नहीं हो पाई है, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मैंने उसको मैसेज भी किया था पर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, शायद बिजी होगा क्योंकि उसको संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो देखेगा वो वीडियो, तो दोस्त मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि तेरा जैसा दोस्त आज तक मैंने कभी देखा है नहीं, और ना ही किसी का देखा है दोस्त। मैं मिलाऊंगा आप लोगों को उससे भी, मैं जाऊंगा अभी, जब उससे मिलूंगा तो वीडियो एक व्लॉग उसके लिए स्पेशल बनाऊंगा, आप सबको बताऊंगा कि मेरा ये दोस्त है जिसको मैं बहुत बहुत ही मानता हूँ। और ऐसी दोस्ती हम मतलब मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, उसके बारे में बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं, ऐसा दोस्त है मेरा वो। और सबको पता है हम कॉलेज लाइफ में ही मतलब ऐसे तो स्कूल लाइफ से दोस्त हैं, पर मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे पहचानता था। पर जब हम कॉलेज लाइफ में आए, कॉलेज भी हम एक ही कॉलेज में कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि वो वही है। पर हम फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया था तब से दोस्त बने, तब से अभी तक दोस्त ही है हमारा। जैसे यूजी कंप्लीट हो गया, पीजी भी एक साथ कंप्लीट किया, एक ही क्लास में करे, उसके बाद एक साल भी साथ में रहे, उसके बाद अपने अपने रास्ते हो गए दोस्तों। मैं इंदौर आ गया और वो बड़वानी था, उसके बाद वो घर चला गया, उसकी जॉब लग गई, तो अब वो पंचायत में है। तो ऐसा करके हमारी कुछ दोस्ती है दोस्तों, ऐसी हुई थी और इतनी है। आप सोच सकते हो कि यूजी से साथ में है और मास्टर डिग्री उसके बाद भी साथ में रहे थे हम, और अब क्या ही बोले दोस्तों। आपके भी होंगे कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपका भी होगा ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो कि आप ऐसा उसके साथ ही रहना पसंद करते हो, होगा ऐसा तो, क्योंकि सबका रहता है दोस्तों। बस इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा था तो दोस्तों के लिए कि फ्रेंडशिप बहुत ही मायने रखती है। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको फ्रेंडशिप से कोई फ्रेंड से कोई मतलब नहीं रहता है, पर होता है दोस्तों, बात नहीं हो पाती है, डेली बात नहीं हो पाती है, पर दोस्त ही दोस्त ना हो तो जीवन का कुछ मतलब नहीं दोस्त, है कि नहीं। तो एक बार फिर से मेरी आप सभी को, आप भी मेरे YouTube फैमिली मेरे दोस्त हो, आपको भी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके दोस्तों को भी हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंडशिप डे की। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।